कोई दिक्कत तो नहीं है ना दादा? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, काम रफ्तार में चल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से जो है सो लॉन्चिंग का काम चालू हुआ है, ये 14 नंबर पे जो है आकर के लग गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कच्ची दरगाह बीदूपुर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज के न्यू अपडेट में। तो आज का जो अपडेट है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो अपडेट है वो लॉन्चिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहले ही, तो आप लोगों को दिखाएंगे 13 नंबर से जो है सो 16 नंबर तक का जो अभी अपडेट है वो किस तरह से सिगमेंट का गाड़ी जो है सो आ रहा है कास्टिंग यार्ड से और किस तरह से जा रहा है, किस तरह से लॉन्चिंग का जो प्रोसेस चालू हुआ है वो आप लोगों को हम एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। तो 13 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर का भी है, आप लोगों को किस तरह से सिगमेंट आया हुआ है, 14 नंबर पर किस तरह से सिगमेंट आ रहा है, आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, अब बेल आइकन भी दबा के ज़रूर रखिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर का पेयर है, और 13 नंबर के पेयर में देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चालू है। सिगमेंट जो है सो एक तरफ से एक के बाद एक जो है लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए एक नया सिगमेंट यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 13 नंबर का पेयर है, और 13 नंबर के पेयर में देख सकते हैं ये साइड, देख सकते हैं आप ये साइड भी एक सेगमेंट आया हुआ है जो कि आपको नज़दीक से दिखाएंगे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक गाड़ी आया हुआ है, और गाड़ी के ऊपर जो है सो देखिए सेगमेंट यहाँ पर रखा हुआ है जो कि नाइट में आया है, सुबह में कल शाम को, सुबह में तो मैं अभी जस्ट अभी अब शूट कर रहा हूँ लेकिन ये शाम को कल नहीं आया था, ये नाइट में ही आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक के बाद एक जो है जिस तरह से लॉन्चिंग हो रहा है उसी हिसाब से जो है सो अब बहुत जल्द जो है सो ये देख लीजिए सामने 14 नंबर का पेयर है, और 14 नंबर और 13 नंबर जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा का फासला नहीं है, बस थोड़े दूर ही बचा है इसमें कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको लॉन्चिंग के लिए जो सिगमेंट आया हुआ है, आई होप कि जल्दी से जल्दी ये लॉन्च हो जाए आज से कल तक में। जैसे ही लॉन्च होगा आप लोगों को, जैसे ही पेयर कनेक्ट होगा मैं आप लोगों को अपडेट तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है देख सकते हैं ये ताज़ा अपडेट है और ये ताज़ा न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो सिगमेंट आया हुआ है और इसको लॉन्चिंग का प्रोसेस जो है चालू करने वाले हैं ये लोग। बेसिकली सिगमेंट को जो है लॉन्च करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 3 से 4 घंटे में समझ लीजिए सिगमेंट जो है लॉन्च हो जाता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सिगमेंट लॉन्च करने में कितना समय टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है, सिगमेंट जो है बहुत जल्दी फास्टली लॉन्च हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये लॉन्च हुआ, अगर कंटिन्यू इसका वर्क रहा तो 3 से 4 घंटे के अंदर में एक सिगमेंट समझ लीजिए आप लोग आपका जो है लॉन्च हो जाएगा, बहुत जल्द लॉन्च हो जाता है। क्योंकि बस जस्ट गाड़ी से उठा करके उसमें जो है ग्लोइंग करना होता है, जो पहले से सिगमेंट जो रखा हुआ है जो लॉन्च हो चुका है उसमें जो है ग्लोइंग होता है, और ये साइड में ये जो नीचे रखा हुआ है सिगमेंट इसमें ग्लोइंग होता है, उसके बाद उसको जो है चिपका दिया जाता है और सिस्टम के हिसाब से इसको फिक्स कर दिया जाता है प्रेशर दे करके, उसके बाद जो है सो स्ट्रेसिंग का काम होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर का पेयर है, 14 नंबर का पेयर में जो सिगमेंट नीचे रखा हुआ था जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसको उठा लिया गया, इसको लॉन्चिंग कर दिया गया है, इसका ग्लोइंग भी हो गया है, स्ट्रेसिंग जो है इसका भी हो गया है। अब जस्ट इसका केबल कटिंग होगा, और केबल कटिंग होने के बाद जो है फिर दूसरा सिगमेंट आ जाएगा। और सामने जो है सो 15 नंबर और 16 नंबर में भी एक सिगमेंट आया हुआ है, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर सिगमेंट जो आया हुआ है उसका तस्वीर आप लोगों को हम दिखाते हैं किस तरह से उसको उठाया जा रहा है 16 नंबर के पास। और जो है 15 नंबर का पेयर है जो कि देख सकते हैं यहाँ जो सिगमेंट नीचे रखा हुआ था इसको लॉन्च कर दिया गया है, इसका ग्लोइंग भी हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना दादा? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, काम रफ्तार में चल रहा है। दिसंबर से जो है जो जिस तरह से पहले काम चल रहा था उस हिसाब से जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग पर आ जाएगा ना? डे नाइट चलेगा, डे नाइट चलेगा, फिर डे नाइट में जिस तरह से पहले जब स्टार्ट हुआ था ब्रिज उस हिसाब से जिस तरह से डे नाइट होकर के काम चलता था, जिस तरह से लॉन्चिंग होता था उस हिसाब से फिर से चालू हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा जी। धन्यवाद आपका दादा, उनसे हमने बात किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है सो मतलब काम जो है रनिंग में आ जाएगा, डे नाइट होगा काम, और डे नाइट जैसे ही होगा समझ लीजिए कि पटरी पर फिर काम आ जाएगा, फिर जिस तरह से पहले होता था जिस तरह से जब इस ब्रिज का जो है लॉन्चिंग पहली बार स्टार्ट हुआ था किस तरह से डे नाइट होकर के जो है सो बहुत जल्द जो है सो इसका लॉन्चिंग का काम जो चालू हुआ था उसी हिसाब से जो है इस बार भी जो है सो अगले महीने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि देख सकते हैं आप अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक सेगमेंट जो है लॉन्चिंग के लिए जा रहा है, आई डोंट नो ये कहाँ पर जा रहा है लेकिन ये गाड़ी एक है ये जा रहा है रास्ते से, जो कि मैं वीडियो शूट कर रहा था लेकिन ये सामने से देख लीजिए लॉन्चिंग का जो एक गाड़ी जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ,
देखिए ये लॉन्चिंग के लिए जा रहा है, आई होप कि ये 14 नंबर में जाएगा शायद, क्योंकि 13 नंबर में जो है सो दोनों साइड में रखा हुआ है, तो ये 14 नंबर के लिए होगा। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो गाड़ी जो है, सो गाड़ी के अंदर जो है सिगमेंट लोड है, और देख लीजिए किस तरह से धीरे धीरे स्लोली जो है अपने रफ्तार से जो है सो ये सिगमेंट लॉन्चिंग होने के लिए बिल्कुल जो है सो अपने पोजिशन पर जा रहा है। और ये कौन से सिगमेंट पर जाएगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से जो है सो लॉन्चिंग का काम चालू हुआ है, बहुत जल्द जो है सो आप लोगों को जो है सो एक पेयर से दूसरे पेयर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, बहुत जल्द जो है 13 नंबर 14 नंबर का जो पेयर है वो कम्प्लीटली ज्वाइंट हो जाएगा, और एक पेयर से दूसरे पेयर में जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक गुड न्यूज़ है, जो कि आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, ये किस तरह से लॉन्चिंग का देख लीजिए, ये गाड़ी जा रहा है सिगमेंट लेकर के जा रहा है, और ये बेसिकली कास्टिंग यार्ड से जा रहा है, और ये कास्टिंग यार्ड से लेकर आया है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया हूँ इसका कास्टिंग यार्ड कहाँ पर है, सिगमेंट कहाँ बनता है, क्या कैसे इसका बेड रेडी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 14 नंबर का जो है सो पटना साइड में जो है ये इस गाड़ी को जो है लगाया जा रहा है लॉन्चिंग के लिए, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाया आगे, तो ये 14 नंबर पर आया है, जो कि मैं बैक होकर के इसको शूट किया हूँ, पीछे आकर के शूट किया, देख सकते हैं ये 14 नंबर पे जो है आकर के लग गया है, और यहाँ पर जो है 14 नंबर के बाद जो है सो सेकेंड जो है इसका जो है लॉन्चिंग होगा सिगमेंट, जो कि ये 23 सिगमेंट जो है इसका लॉन्च होने वाला है, जो 23 सिगमेंट जो है 23 नंबर जो है इसका सिगमेंट नंबर है 23 के बाद जो है सो दो सिगमेंट और लॉन्च होगा, इसके बाद इसमें 14 नंबर में सिगमेंट और लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि ये 25 सिगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये 23 नंबर का जो सिगमेंट है वो यहाँ पर आया हुआ है, और ये 23 नंबर का जो सिगमेंट है ये लॉन्च होगा, उसके बाद 24 नंबर और 25 नंबर का सिगमेंट, दो सिगमेंट और आएगा यहाँ पर लॉन्च होगा, तो जो है 14 नंबर का जो पेयर है पटना साइड में जो सिगमेंट है वो लॉन्चिंग समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 13 नंबर का कुछ बच जाएगा, 13 नंबर का जो बचेगा उसके बाद जैसे ही लॉन्च होगा 25 नंबर का जो इधर का इधर से 25 हो जाएगा, उधर से भी 25 हो जाएगा, दोनों कम्प्लीट हो जाएगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, फिर एक पेयर से दो पेयर जाने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। यही वीडियो आप लोगों को, यही अपडेट आप लोगों को दिखाना था। ये अच्छी बात है, क्योंकि सिगमेंट लॉन्च होगा तो बहुत जल्द जो है सो समझ लीजिए काम रफ्तार पकड़ेगी, और काम रफ्तार पकड़ेगी तो जो है सो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग 2023 में 2024 में ये ब्रिज बन के तैयार हो जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभी काम स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से पहले चलता था उस स्पीड में और उस रफ्तार में जो है सो काम को लाना पड़ेगा, तब जाकर के 2023 में ये ब्रिज को कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जो डेट डाला गया है, जो डेट है 2023 का, उसमें ये ब्रिज को कंप्लीट होना है, तो उस डेट में ये बनके तैयार हो जाएगा। सामने 16 नंबर का पेयर है और 17 नंबर का पेयर भी है, तो 17 नंबर का तो मैं अपडेट आप लोगों को दिया हूँ, जो सेगमेंट वहाँ पर रखा हुआ है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 16 नंबर का पेयर जो कि कल शाम को यहाँ पर ये सेगमेंट आया है, जिस तरह से अभी आपने देखा गाड़ी में जा रहा था सिगमेंट, उसी तरह से ये गाड़ी से आया है, और यहाँ पर जो देख सकते हैं लॉन्चर में लगा हुआ है ये, और देख सकते हैं आप लोगों के सामने है ये लॉन्चर में जो है सो ये लगा हुआ है, जस्ट उठाने का जो है इसका बस प्रोसेस बचा हुआ है, जैसे ही उठाएगा उसको चिपका दिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, सुब जायसवाल भाई भी बोले थे कि भाई लाइव दिखाइएगा लॉन्चिंग, भैया लाइव जो है सो हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन लाइव में आप देखिएगा क्या, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ जाइए, जो लॉन्चिंग का प्रोसेस होता है जस्ट इसको उठा लिया जाता है, और एक साइड में जो आप लोगों को दिख रहा होगा दीवार साइड, इसमें ग्लू लगता है, जो कि इसके अंदर दो टाइप के ग्लू आते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अगले कभी जो है सो मौका मिला आप लोगों को दिखा देंगे वो ग्लू क्या होता है, जिस तरह से ग्लू होता है चिपकाने का जो वो काम होता है, केमिकल होता है बेसिकली, वो जो है इसके अंदर लगा करके चिपका दिया जाता है, और ये जो सारे होल है उसके अंदर जो है सो रॉड डाल करके फिलहाल टेम्पररी फिक्स किया जाता है, उसके बाद जो होल है दूसरे सेकंड वाले होल में जो उसके बाद जो है केबल डाल के स्ट्रेसिंग कर दिया जाता है, तो यही वो चीज़ होता है, इसी को जो है सो इस तरह से लॉन्चिंग हो जाता है, लॉन्चिंग होने के बाद फिर दूसरा सेगमेंट आता है, एक के बाद एक सेगमेंट जो है सो कंटिन्यू आता रहता है, और लॉन्चिंग जो है सो स्टार्ट रहता है। तो आई होप कि मुझे आप लोगों को ये अपडेट और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा, और कमेंट करके और भी कुछ जानकारी चाहिए इस ब्रिज से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को कमेंट के ज़रिए भी आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।